सक्शन जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने कुछ यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है और उस डिटेल में आप मैंने यहाँ पे दो पोर्ट लिए हुए हैं, एक 3.0 जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आज की डेट में पॉपुलर है, और एक 2.0 जो कि बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। ठीक है, 2.0 की जो डिटेल है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ डायग्राम भी बना दिया जिससे कि आप समझ पाओगे काम नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है। ठीक है, और तीसरा दूसरा जो सेक्शन है 3.0, उसकी पिन आउट और यहाँ के पोर्ट की डिटेल, यहाँ का पिन आउट और इसकी सप्लाई के लिए भी कुछ चीज़ें मैंने बना दी हैं। साथ में कुछ चीज़ें और मार्क कर दूंगा मैं, जो आप डेस्कटॉप में, ठीक है, या लैपटॉप में, अभी आपको यहाँ पे देखना, ध्यान देना है, कोई भी डेस्कटॉप है, ठीक है, या लैपटॉप है, ठीक है, उनमें आप आसानी से चेक कर सकते हो। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 2.0 है वो किस तरीके से दिखाई देता है, मैं दिखा देता हूँ आपको, और 3.0 किस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, और इसकी साइड में फोटो भी लगा दूंगा मैं, तो ये आप देख पाओगे यहाँ पे क्लियर, कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, तो ये 2.0 है और ये जो नीले कलर में दिखाई दे रहा है जिसका कलर अलग है। अच्छा, ये किसी किसी में नीला कलर, किसी में रेड कलर, इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप पहचान, और ये क्यों होता है, क्योंकि आप पहचान लो कि हाँ ये कलर जो डिफरेंट है, यानी फास्ट है, यानी ये पोर्ट कैसा है, फास्ट पोर्ट है, यानी कि आप जब डाटा ट्रांसफर करोगे तो इससे स्पीड तेज आएगी। ठीक है, तो अब क्योंकि हर किसी को टाइमिंग की बचत चाहिए, सब कुछ मोबाइल में डाटा ट्रांसफर तेज हो, कीबोर्ड तेज चले, लैपटॉप में कोई भी डाटा आप इधर से उधर करना चाह रहे हैं वो स्पीड से हो, तो अब इनका दोनों का डिटेल भी सेम नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे इसकी डिटेल जो है वो 4 पिनों की डिटेल है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक नंबर जो है आपका, ये सप्लाई के लिए है, इसको आप बी बस भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, बी बस, या कहीं कहीं बी सी सी भी लिखा हो सकता है, ठीक है, या बी टी टी भी लिखा हो सकता है। अब आप देखोगे कि यहाँ बी बस या बी डी डी पे कितने वोल्टेज होने चाहिए आपके, यहाँ पे 5 वोल्टेज होने चाहिए। ठीक है, यहाँ 5 वोल्टेज होने चाहिए। अब ये 5 वोल्ट आते कहाँ से, कभी भी आपका यूएसबी जब काम ना करे तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि 5 वोल्ट हमारे यूएसबी पे मौजूद होने चाहिए। ठीक है, लेकिन कहाँ से आते हैं ये 5 वोल्ट, देखिए डेस्कटॉप में देखूंगा तो ये ATX से आएंगे। ठीक, ATX से आएंगे 5 वोल्ट, और ये आपका, अगर हाँ, मैंने मॉसफेट क्यों लगाया है, क्योंकि आजकल के जो वैसे बोर्ड आ रहे हैं एडवांस, उनमें मॉसफेट लगा देती हैं बहुत सारी कंपनियां, कई सारी कंपनियां कैपेसिटर लगा के काम चला लेती हैं, फ्यूज लगा के काम चला लेती हैं, और मोर देन डायरेक्ट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पोर्ट के बराबर में हमें ये देखना है कि क्या लगा हुआ है। तो जब ये मान लीजिए मॉसफेट लगा हुआ है, तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि सोर्स से यहाँ सप्लाई पास होनी है। ठीक है, तो इसके गेट को क्या करा जाएगा, देखो गेट में दो तरीके से चलता है यहाँ पे। ठीक है, दो तरीके से चलेगा, जैसे हाई और लो का चक्कर रहेगा यहाँ पे। ठीक, हाई और लो, हाई और लो के चक्कर में क्या रहेगा, अगर पहले से हाई है या लो है, पहले से मान लीजिए लो है यहाँ पे, तो 5 वोल्टेज आ जाएंगे, 5 निकाल देगा। अगर पहले से हाई है, 0 कर देंगे, तो वोल्टेज उतने के उतने ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, हाई और लो का बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना होता है, तो ये IC से चलेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे हाई और लो देख लो, हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हाई और लो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ पास भी कर सकते हो उसको एक जम्पर के द्वारा, एक जम्पर ऐसे सोर्स से ड्रेन में लगा सकते हो, तो यहाँ पे 5 वोल्टेज आ जाएंगे। और ये फ्यूज है यहाँ पर, ठीक है, एक फ्यूज भी लगा होता है, वो भी आपको देखना है, कुछ नॉन पोलर ऐसे कैपेसिटर प्रोडक्शन में होते हैं, वो भी हमें देखने हैं। तो होता क्या है कि कुछ सीन जो है कैपेसिटर ये फिल्टर करने के लिए, तो इस तरीके से एक सप्लाई के लिए पूरा एक जाल बनाया हुआ होता है, कुछ छोटे कैपेसिटर लगा के, फिल्टर कैपेसिटर लगा के और मॉसफेट लगा के सोर्स से ड्रेन पास कराई जाती है सप्लाई, गेट को लो और हाई करा के। ठीक है, अब एक, चूंकि खाली सप्लाई तो काम करेगी नहीं, इसको नेगेटिव भी देना पड़ेगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये ग्राउंड हो गया। अब ये जो बीच वाली जो पोर्शन है, ये मोर देन
जो छोटे बोर्ड होते हैं, जो लो कॉस्ट के बोर्ड आते हैं, उनमें ये नहीं होती है ऐसी, ठीक है। वो डायरेक्ट आपके जो साउथ ब्रिज होता है उसी से कॉन्टेक्ट करेगा, डायरेक्ट साउथ ब्रिज से, ठीक है। अगर यहाँ पे बीच में आईसी लगा दी, डाटा इनपुट आउटपुट का आईसी लगी हुई है, ठीक, तो ये समझ लो कि आपका पोर्ट फिर कभी खराब होने वाला नहीं है। किस टाइप से कह रहा हूँ मैं, पोर्ट कभी खराब होने वाला नहीं है, फिजिकली की बात कर रहा हूँ। उल्टा सीधा कोई कुछ लगाता है वो एक अलग बात है, लेकिन जैसे आपका पोर्ट यहाँ बीच में आईसी नहीं लगी, डायरेक्ट संपर्क है, और अगर कोई दिक्कत होगी तो सीधा बोर्ड गया फिर, ठीक है। लेकिन अगर आपके बीच में आईसी लगी है और कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आईसी को चेंज कर सकते हो। ये आईसी आपकी क्या कर रही है, डाटा ट्रांसफर करने का काम कर रही है, ध्यान रखना, डाटा ट्रांसफर कर रही है ये। यानी कि जो पेंडा आप यहाँ पे लगा रहे हो 2.0 में, जो डाटा आप कॉपी करना है, पेस्ट करना है, वो आईसी से होके आईसीएच में जाएगा, और कुछ डाटा अगर आपको कंप्यूटर से लेना है, हाईटेक से लेना है, तो वो इस आईसी से होके उधर जाएगा। यानी कि बीच में ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है, आईसी कर रही है। तो अगर आपका पोर्ट कभी ऐसा होता है कि 5 वोल्ट अवेलेबल हैं, ये 5 वोल्ट हैं बी बस वाले, और नेगेटिव भी प्रॉपर है, फिर भी पोर्ट अगर आपका काम नहीं कर रहा है, यहाँ वहाँ पे अगर दो हैं तो दो, एक साइड के दो काम कर रहे हैं, एक साइड के दो काम नहीं कर रहे, तो आपकी ये आईसी है, आप देख लो वहाँ 6 पिन की आईसी लगी होगी, या 4-5 पिन की या 6 पिन की, उस आईसी को आप निकालो, और कोई भी आपके पास यूएसबी पोर्ट पड़ा हो जिसके पास आईसी लगी हो, उस टाइप का कोई बोर्ड हो, उसमें से निकाल के आप सीधे चेंज कर दो, कोई नंबर देखने की जरूरत नहीं है आपको। आपकी आईसी बस आपको डायरेक्शन लगाना है, उल्टी सीधी में हो जाए वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, और एकदम गुड वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, आईसी डालो सही। दूसरा जो 3.0 वाला ये मैटर है, यहाँ पे 10 पिन है, 1 पिन नॉट कनेक्टेड होती है, मैंने यहाँ पे 9 पिन बनाई हुई है। ऊपर की पिन देखोगे वो सेम है, देखो ये 4 पिन बिल्कुल सेम है, बी बस आपका आ रहा है बिल्कुल उसके तरह, जो 2.0 की तरह, और डाटा इनपुट आउटपुट हो गया, ये प्लस और माइनस में ग्राउंड हो गया, और एक ट्रांसमिशन और रिसीव करने वाली 2 पिन है, 4 पिन और आपकी एक्स्ट्रा काम कर रही होती है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप डिटेल में अगर आप चेक करोगे तो मैंने डिटेल लिख दी है यहाँ पे, जैसे एक नंबर पे आपका बीसीसी हो गया, या बी बस हो गया, या बीटीडी हो गया, ये डाटा प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ग्राउंड हो गया, यहाँ तक तो आप यहाँ से समझा ही दिया है मैंने, ये डाटा ट्रांसमिट हो गया और डाटा रिसीव हो गया, ठीक है। ये पिन आपकी ग्राउंड हो गई और नॉट करेंगे, ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफर स्पीड हो गई है ना, किसी भी चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं। रिसीव का मतलब हो गया कि एक्स्ट्रा कोई अगर आप डाटा कॉपी कर रहे हो तो वो पेन ड्राइव के माध्यम से या कीबोर्ड के माध्यम से जो भी डाटा आप टाइपिंग कर रहे हो वो भी डाटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अगर कोई हार्ड डिस्क में डाटा कॉपी कर रहे हो तो क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, इनपुट आउटपुट कर रहे हो तो, ठीक है, हार्ड डिस्क से सिस्टम में कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, हार्ड डिस्क ट्रांसमिट कर रही है, भेज रही है। अगर आप सिस्टम से किसी और हार्ड डिस्क से दूसरी हार्ड डिस्क में डाटा दे रहे हो तो वो क्या कर रही है, रिसीव कर रही है डाटा। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फंक्शन और वर्क करता है, जिससे कि क्या कर रही होती है, ये पोर्ट क्या कर रहा होता है, ट्रांसफर स्पीड को बढ़ा देता है, बढ़ा देगा तो आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। या और ये उसी कंडीशन पर लागू होगा कि अगर आपका पोर्ट 3.0 है तो आपकी पेन ड्राइव या जो भी आपका डिवाइस है वो भी डिवाइस आपका 3.0 होना चाहिए, यानी कि दोनों एक दूसरे के सेम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरी पेन ड्राइव तो 2.0 पोर्ट 3.0 स्पीड आ जाए, नहीं आएगी। पेन ड्राइव भी 3.0 होनी चाहिए या इससे ऊपर, और पोर्ट भी 3.0 या उससे ऊपर होने चाहिए, तभी दोनों एक जैसे स्पीड के मिलेंगे, तब आपको स्पीड दिखाई देगी, अदरवाइज आपको रिजल्ट वही मिलेगा जैसे 2.0 पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपका डेस्कटॉप का कोई भी पोर्ट काम नहीं कर रहा है यूएसबी का, और आप चेक कर लो यहाँ 5 वोल्ट यहाँ चेक कर लीजिए, ग्राउंड या नेगेटिव बराबर है या नहीं है, उसके बाद आप ये चेक करिए कि उससे कोई आईसी या कैपेसिटर लगा तो नहीं है, अगर कैपेसिटर लगा है तो शॉर्ट नहीं होना चाहिए, और अगर आईसी लगी हुई है तो आप रिप्लेस कर दो बिना देर किए। जब आप रिप्लेस कर दोगे ये वाली आईसी, आपका पोर्ट एकदम
जबरदस्त तरीके से काम करना शुरू कर देगा जैसे पहले कर रहा था। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी आपको झिझक नहीं होनी चाहिए। डेस्कटॉप का अगर कोई भी यूएसबी पोर्ट काम नहीं कर रहा है, चार लगे एक जगह चारों काम नहीं कर रहे हैं, तो आप चारों की डिटेल को चेक कर लीजिए पहले कि उसमें क्या क्या इनपुट में होना चाहिए, वो है या नहीं है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव है या नहीं है। उसके अलावा इसके आसपास जो कंपोनेंट लगे थे वो ठीक हैं, तो आप यूएसबी देख लो, फिर इसको आईसी चेक कर लो। ठीक है, तो ये सिंपल मैंने भाषा में आपको बड़ा सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा ये शिकायतें रहती हैं कि यूएसबी पोर्ट जो है काम नहीं कर रहा है। कोई लैपटॉप में भी लेके आते हैं, लैपटॉप में थोड़ा अलग डिटेल होती है, अलग तरीके से चेक करना होता है। हालांकि डिटेल तो सेम ही होती है, थोड़ा काम करने का मेथड अलग हो जाता है। तो डेस्कटॉप में एक मैंने आपको लिख दिया, आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल डिटेल आप देख लेना, मैच कर लेना। ठीक, और आपका जो ये जो आईसी है, विशेष ध्यान देना, इसी आईसी के बदलने के एक पोर्ट के 400 से 500 रुपये डेस्कटॉप में दे देते हैं आराम से। ठीक है, अगर आपके सारे पोर्ट खराब हैं तो 800-1000 रुपये का काम हो गया, आप ये समझ लो। तो आप देख लो, आपको कहीं किसी और से अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे, कहीं किसी और से रिपेयर कराने की यूएसबी की जरूरत नहीं होगी। कोई कुछ नहीं कर देता भाई, बस आपको सप्लाई देखनी है, ग्राउंड देखना है और ट्रैक देखना है, तीन चीज देखनी है, ये वाली आईसी देखनी है, बस हो गया आपका यूएसबी रिपेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके यूएसबी का कोई फॉल्ट आए तो आप देख लेना, ये कंपोनेंट देखना, आईसी देखना, ठीक है, डिटेल चेक करना और क्लियर करना, अच्छे से सेटिस्फाई होके करोगे, हो जाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। ठीक है।